हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3 को शुरू करने वाले हैं और इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। तो सबसे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के डेफिनेशंस को देखते हैं। तो स्पीड का डेफिनेशन है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो बनता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, इसके लिए स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं वेलोसिटी के डेफिनेशन की ओर। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड इन यूनिट टाइम, जिसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो बनता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ठीक स्पीड की तरह वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड। हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद आप स्पीड और वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको स्पीड निकालना है तो आपको बस डिस्टेंस निकालना है, और टाइम तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक उसी तरह वेलोसिटी निकालते वक्त आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम भी। ये स्पीड का जो टाइम है और वेलोसिटी का जो टाइम है वो दोनों सेम रहेंगे। हम आगे अब एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ए से बी एक रोड है, और ये जो रेड कलर का डॉट है वो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जाता है 20 सेकेंड्स में, और हमें स्पीड और वेलोसिटी निकालनी। तो सबसे पहले, जैसे हमने कहा, स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 100 मीटर। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। और क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और ये जो डिस्टेंस होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो अब हमने जब डिस्टेंस निकाल लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया है, तो अब स्पीड और वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस 100 मीटर है और टाइम है 20 सेकेंड्स, जो हुआ 0 0 कट, और ये 5, ये हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर है, अपॉन टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो ये हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस सब में हमने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे यहाँ पे ए टू बी ही जा रहा है, तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उसका स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा।
आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले टाइम दिया है और सेकंड कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, उसी तरह सेकंड कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर और थर्ड कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी दिया है। और आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है कब, 5 o'clock को, और ख़त्म होता है कब, 8 o'clock को। तो टाइम इंटरवल क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल क्या। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो होगा 8 - 5, ये हुआ 3, और यही है आपका आंसर। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब अमर, अकबर, एंथोनी में से किसने हर एक टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे एक इंटरवल मतलब ये, जैसे कि ये 5 to 5:30, फिर 5:30 to 6, फिर 6 to 6:30, ये एक टाइम इंटरवल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो उसी तरह एक टाइम इंटरवल में अमर, अकबर, एंथनी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और पूछा गया है हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक स्टेप में इन तीनों ने क्या इक्वल डिस्टेंसेस कवर किया है। इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम अमर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले टाइम इंटरवल में यानी 5 to 5:30 में अमर ने 0 to 20 किलोमीटर कवर किया, यानी उसने टोटल 20 किलोमीटर कवर किया। फिर 5:30 से 6 o'clock तक उसने 20 to 40 तक गया है। और अगर हमें इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, यानी 40 - 20, ये भी हुआ आपका 20। उसी तरह ये है 40 to 60, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो हाँ, अमर ने हर एक टाइम इंटरवल में 20 किलोमीटर्स कवर किए है। अब पढ़ते हैं अकबर की ओर। पहले टाइम इंटरवल में अकबर 0 से 18 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर 18 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, और यहाँ पर भी 36 - 18 18 ही होता है। यहाँ पे 42 - 36 होता है 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहले दो 18 और 18 थे और अब चेंज हो गए 6। तो आप आगे कैलकुलेट ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है। तो अकबर ने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया है। अब देखते हैं एंथनी को। पहले टाइम इंटरवल में 0 से 14, यानी 14 - 0 कितना हुआ, 14। दूसरे टाइम इंटरवल में 28 - 14 कितना हुआ, 14। तीसरे टाइम इंटरवल में 42 - 28, ये भी 14 होता है। और अगर आप कैलकुलेट करो तो 56 - 42
टू भी 14 ही होता है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो आप देख सकते हो एंथनी ने भी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अमर और एंथनी ने इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम आर सेम और नॉट। तो हमने देखा था ये पहले इसमें उसने 18 किलोमीटर का पहले इंटरवल में उसने 18 किलोमीटर्स ट्रैवल किए और सेकंड इंटरवल में ये भी डिफरेंस 18 हुआ था, पर थर्ड इंटरवल में जैसा कि आप कैलकुलेट कर सकते हो 42 माइनस 36 कितना होता है 6, तो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आप आगे भी कैलकुलेट करते हो तो ये कितना हुआ 70 माइनस 42, ये हुआ 28। और जैसे भी आप आगे कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग आता जाएगा। तो इसका आंसर हुआ नो। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कंसीडरिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अमर अकबर एंथनी इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड्स। तो जैसे हमने देखा था अमर हर इंटरवल में 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, यहाँ पे हमने देखा था हर इंटरवल में डिफरेंस 20 का ही आता है। उसी तरह एंथनी के केस में भी यहाँ पे डिफरेंस 14 का आता है। तो अमर और एंथनी का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर टाइम इंटरवल में वो 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है। एंथनी हर टाइम इंटरवल में 14 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है, पर अकबर हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे पहले इंटरवल में 18, दूसरे में 18, ये दो सेम है, पर तीसरे इंटरवल में देखिए बदल रहा है 6, फिर 28। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका स्पीड भी कितना हुआ यूनिफॉर्म। तो अमर और एंथनी इनका जो मोशन हुआ वो हुआ यूनिफॉर्म और अकबर का मोशन क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म। और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये देख के रखे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म और उसकी स्पीड भी क्या होती है यूनिफॉर्म। इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, जैसे एग्जांपल टेम्परेचर। एग्जांपल लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ये जो 10 है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे स्पीड, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 20 क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड। वैसे डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ। तो इसी तरह
जो क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज, जैसे टाइम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, आप नेट पे भी देख सकते हो। और दूसरी ओर स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और हम वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये एरो का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होता है और जिस जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट करता है वो उसका डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और कोई पार्टिकल है वो ऐसे ट्रेवल करके ए से बी जाता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसका डायरेक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ, और उसी डायरेक्शन को हम इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का दूसरा एग्जांपल हुआ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एग्जांपल 2 किलोमीटर पर आवर, और इसके साथ हम डायरेक्शन भी लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसका डायरेक्शन हुआ। और एक बात याद रखें कि हमेशा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज के दूसरे एग्जांपल फोर्स है। जैसे मान लो ये फ्लोर है और ये एक बॉक्स है और एक आदमी इसे पुश कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस बॉक्स को या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसमें ये 2 जो है वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसका डायरेक्शन हुआ। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ आई हो। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।